नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पार समाचार। देश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी हैं। आधी रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को देहरादून लौटना था, वो अचानक उनकी वापसी पर कार्यक्रम टल गया। ये रहस्य बना है कि आखिर पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री खेमे का कहना है कि तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में जाएंगे और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत पर अभी भी नहीं हो सका है फैसला। बता दे कि पार्टियों की निगाहें दिल्ली पर अटकी हुई हैं। देश में सत्तारूढ़ भाजपा और पक्ष दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी है। आधी रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को देहरादून लौटना था, पर अचानक उनकी वापसी का कार्यक्रम चल गया। अभी ये रहस्य बना है कि आखिर पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री खेमे का कहना है कि तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में जाएंगे और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। तो तीरथ सिंह रावत के वापस न लौटने पर अभी भी संदेह बना हुआ है कि क्यों उन्हें देहरादून में रुकने को कहा गया। अचानक से तीरथ सिंह रावत का बता दे कि टिकट दिल्ली की तरफ कटा था। मैं इस खबर पर संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अचानक से तलब किया गया था तीरथ सिंह रावत को दिल्ली आने के लिए, उसके बाद वापसी को लेकर जो उनका प्लान था देहरादून लौटना था, लेकिन वो नहीं लौटे, कार्यक्रम टल गया। जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि तीरथ सिंह रावत को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अचानक दिल्ली बुलाए जाना और दो दिन दिल्ली में रोके रखना, यह जग जाहिर कर रहा है कि तीरथ के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है। विधानसभा उपचुनाव में कोई पेच फंस रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व इस पेच को सुलझाने के लिए उपचुनाव की संभावनाओं से लेकर संपूर्ण विधानसभा चुनाव और नेतृत्व में बदलाव जैसे तमाम विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों के बाद सीएम अपने आवास पर लौट आए। इस मुलाकात में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। जी विनोद, लेकिन कुछ ना कुछ चर्चाएं हुई होंगी सूत्रों के हवाले से, क्या कोई ऐसा पता चल पा रहा है कि किन चीजों को लेकर तुरंत तलब किया गया था? क्या ये चुनावों से ही जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? चिकित्सा, मैं आपको बताता हूँ कि उपचुनाव को लेकर अगर तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बने हुए 6 माह होने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आगामी जो है 2022 को उत्तराखंड में चुनाव भी होना है, तो पेंच सुलझाने का नेतृत्व में बदलाव पर भी गंभीरता से विचार पार्टी ने किया होगा और विचार कर रही होगी। भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर पैदा पेचीदा स्थिति में देखते हुए पार्टी नेतृत्व पर बदलाव गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि इस बार नेतृत्व किसी विधायक को ही सौंपा जाएगा। इस विषय पर मंथन और चिंतन चल रहा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीरथ सिंह रावत को तुरंत दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद वापसी नहीं हुई, इसको लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्यों तलब किया गया था। क्या इसे चुनाव से जुड़कर ही देखा जाए या भाजपा खेमे में कोई और ही खिचड़ी पक रही है? उत्तराखंड में गुरुवार को 124 लोग संक्रमित मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 244 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 4 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं 3 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 499 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 98 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विनोद, क्या कुछ स्थिति है उत्तराखंड में हम देख पा रहे हैं कोरोना की, क्योंकि मामले एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं और ब्लैक फंगस के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है?
जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 124 मामले सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत भी हुई है और प्रदेश में अभी तक 244 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या में 1966 रह गए। वही प्रदेश भर में निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत के आंकड़े छिपाते नजर आ रहे हैं। खुलासा तब हो रहा है जब यह आंकड़े राज्य के कोविड कंट्रोल रूम में भेजे जा रहे हैं। आज प्रदेश में बैकलॉग के तौर पर 7 मौतों की रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड में कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि 3,40,379 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 3,25,253 मरीज सक्रिय हुए। तो अब तक प्रदेश में कुल 7,324 लोगों की जान जा चुकी है। वही मैं अगर बात करूं तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 499 मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर विनोद, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि लगातार मामले जो है ब्लैक फंगस के वो भी बढ़ रहे हैं। 499 केसेस आ चुके हैं और लगातार ये बोला जा रहा है तीसरी वेव को लेकर भी कि तैयारियां दुरुस्त की जाए। तो क्या लगता है अभी कितने कंटेनमेंट जोन अभी बाकी रह गए हैं उत्तराखंड में? जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो है कोरोना के केसों में कमी आ रही है, वही कंटोनमेंट जोनों में जो बनाए गए थे उनमें भी कमी आई है। और आपको ये बता दूं कि टीकाकरण में भी सर्वाधिक इजाफा हुआ है। अभी तक प्रदेश में वैक्सीन के 83,41,688 खुराक लोगों को लग चुकी है और 14,83,185 बीते दिनों माह में लगाई जा चुकी है। अलग सी बात है कि जुलाई में शुरू होते ही प्रदेश में वैक्सीन की कमी होने लगी थी। गुरुवार को प्रदेश में टीकाकरण का ग्राफ 50,000 से नीचे लुढ़क गया है और जैसे ही ब्लैक फंगस भी अभी जो है दस्तक दे रही है, इससे लगता नहीं है कि जो है ब्लैक फंगस से जो है कोई रोक लग सकेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, एक बार फिर से कोरोना जो है वो सतर्क होता जा रहा है और लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर चिंताएं भी साफ तौर पर माथे पर शिकन लेकर आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा तब हाई हो गया जब वो नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिकारियों संग एक बैठक ले रहे थे। दरअसल अधिकारी उन्हें इस बैठक में विकास कार्यों का ब्यौरा पेश कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि अधिकारी अपनी आधी अधूरी तैयारी के साथ इस बैठक में आए। इस बात पर कैबिनेट मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को कड़े लफ्जों में ये कहा कि आगे से किसी भी बैठक की पूरी तैयारी करके ही आए। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी में जिला चिकित्सालय में पूरी सुविधाएं मौजूद हों और वैक्सीनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाए। अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए मॉनिटरिंग करता रहता हूं, क्योंकि अब बरसात भी आ रही है। आज मैंने सारे हेल्थ से लेकर बिजली पानी सड़क NHPD और सारे अधिकारी यहाँ पर बुलाया था, हर विषय पर चर्चा हुई है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी में पानी लाने का है, 144 करोड़ की योजना जो मैं केंद्र से लेकर आया था, उसकी प्रगति की जानकारी हमने ली, उस पर काम चल रहा है। मसूरी की 85 किलोमीटर जो पेयजल लाइनें पुरानी जंग खा गई हैं उनको ठीक किया जा रहा है और इस योजना के बनने के बाद आने वाले 50 साल तक मसूरी। रुद्रप्रयाग में आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र कठैत ने यह दावा किया है कि राज्य के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी विभाग हो या कार्यालय हो, अधिकतर नियुक्तियां दूसरे राज्य के लोगों की है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी। हमारे रुद्रप्रयाग में देखा जाए तो ये डोनिक क्यूड़ी ग्राम सभा क्यूड़ी में आने वाले जो तोक में जो आने वाले गांव हैं, किरमुड़ू डिमकला डोनिक और खलान करणा, इन गांवों में आज तक रोड की सर्वेक्षण तो कई बार हो गई है परंतु आज तक रोड नहीं गई है, रोड नहीं बनाई गई है अभी तक। तो यहाँ पे जैसे कोई बीमार पड़ता है या कोई डंडी कंडी में उसको बाजार तक ले जाना पड़ता है, कभी कोई लेडीज औरत को परसा पीड़ा लगती है तो उसको डंडी पर ले जाना पड़ता है, बड़ी दुख की घटना होती है। यहाँ पे आदमी नहीं मिल पाते कभी घरों पे, तो दिक्कत पड़ती है बहुत। तो रोड का न होने के कारण आज जनता को बड़ी दुख का सामना करना पड़ रहा है।
ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो कई बार आती है जाती है, ये वोट के टाइम पे बोलते तो जरूर है कि हम रोड दे के जाएंगे, रोड देंगे, परंतु जैसे ही ये कुर्सी मिलती है तो सब चीज भूल जाते हैं, इनका कोई देखता ही नहीं इधर को। अतल उत्कृष्ट विधायक योजना के अंतर्गत मसूरी स्थित धनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 190 विद्यालयों को इससे जोड़ा गया है। प्रत्येक विकासखंड से 2 स्कूलों को इसमें रखा गया है। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत एक सुनहरा अवसर है जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि मेरे अनुरोध पर जब विद्यालयों का चयन हो रहा था तो हमारे इस विद्यालय को उन्होंने चयनित किया, क्योंकि मसूरी एजुकेशन हब है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं बड़े बड़े, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक कमजोरी के कारण वहां नहीं जा पाते। ऐसे में मसूरी के शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा, और मेरा संकल्प है आने वाले 5 सालों के अंदर इसे सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय हम बनाएंगे, और जितने यहाँ के पब्लिक स्कूल हैं उनको ये कम्पीट करेगा। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता दीपक जाटव पर आरएसएस कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसको लेकर कांग्रेसी भड़क गए और कांग्रेसियों ने भाजपा का पुतला फूंका। दरअसल देहरादून निवासी आरएसएस कार्यकर्ता दीपक सोनकर ने कांग्रेसी नेता दीपक जाटव के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। तहरीर में आरोप लगाया है कि कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। वहीं सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेसियों में उबाल आ गया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की सत्ता में अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम किया जा रहा है। इसी भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार का दुरुपयोग कर रही है, अपने सत्ता में होने का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पर लेकर नेताओं तक मुकदमे दर्ज कराने का जो झूठा काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है, आरएसएस के एक व्यक्ति ने एक बलात्कार किया तो कांग्रेस के एक व्यक्ति ने उसको सोशल मीडिया पर दिखाने का काम किया, यदि उसने गलत दिखाया तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा कराता वहाँ से जिसके खिलाफ उसने लिखा था, ना कि देहरादून से बाकायदा व्यक्ति को बुलाया जाता है, रातों रात तहरीर ली जाती है। और गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर पंतनगर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने किसान नेताओं के साथ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यूपी गेट पहुंचे, तभी स्वागत समारोह के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया, जिसमें अमित वाल्मीकि सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसमें खैर ये किसानों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, किसान की आड़ में ये तमाम लोग हैं और सभी पूरा देश इस चीज़ को समझ रहा है कि ये गुंडागर्दी की जा रही है। इसमें कोई किसान नहीं है और किसान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, किसान के आड़ में यहाँ पर गुंडागर्दी और गुंडे असामाजिक तत्व और गुंडे तरीके के लोग जो है इस तरीके की बर्बरता से इस तरीके का हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर वाल्मीकि समाज पर अगर एक उंगली उठेगी तो ये बर्दाश्त वाल्मीकि समाज नहीं करेगा। आज पूरे देश प्रदेश का वाल्मीकि समाज एक है और इस तरीके की गुंडागर्दी को हम बिल्कुल। चमोली के नारायण बगड़ में भारी बारिश से बेघर हुए बेड़ गांव के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों की सुध लेने पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोपाल राम टमटा ने इन परिवारों को राशन आदि राहत सामग्री बांटी। गौरतलब है कि पिछले माह 18 जून से क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से बेड़गांव में अनुसूचित जाति बस्ती में बड़ा भूस्खलन होने से यहां रह रहे 10 परिवारों की आशियाने उजड़ गए। तब से ये लोग गांव के पंचायत भवन में शरण लिए हुए थे। बेड़गांव में बारिश के कारण जो प्राकृतिक आपदा आई उसके कारण बेड़गांव की अस्सी बस्ती पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, इन सब के घर बार बह चुके हैं, खेती बह चुकी है, पशुओं का गौशाला टूट चुका है,
और ये लोग पंचायती घर पे रहने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन इनका संज्ञान लेने जरूर आया, तसल्ली दी गई। अब देखते हैं कि इन लोगों के लिए आगे क्या कार्रवाई होती है। और आन माननीय श्री भोपाल राम टमटा जी मौके पे इन लोगों की शुद्ध खबर लेने पहुँचे और इनको राहत सामग्री राशन के रूप में कुछ प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा टमटा जी का कि आप ऐसे पीड़ा में इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये यहाँ पर जो है हम जिस देवी आपदा से हम इतने परिवार जो है कि यहाँ पर हम पीड़ित हुए हैं, इन परिवारों से हम पंचायती घर में जो है कि पाँच एक हफ्ते करीब से हम पंचायत घर में अपना शरण ले चुके हैं। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन जो पटवारी जी हमारे कुंवर जी हैं वो वहाँ पर मौके पे आए और अगले दिन विधायक जी आए और उन्होंने भी यही कहा कि हम विस्थापन के लिए जो है कि आगे के लिए आपकी कार्रवाई करेंगे। और सरकार से हमारी और शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि हम गरीब आदमी अनुसूचित जाति लोग वहाँ पर रहते हैं और हमारे लिए ज़मीन भी वहाँ पर उपलब्ध है, हमारे पास इतनी जो हमारी खेती बाड़ी के लिए लायक ज़मीन थी वो भी नष्ट हो चुकी है। वहाँ पर कोई साधन नहीं है, पीने का पानी था, नल है, पूरा पूरी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप विस्थापन की मांग कर रहे हैं? तो विस्थापन की मांग हम कि हमारे आजीवन के लिए हम वहाँ पर रहेंगे तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने वर्चुअल माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों का चयन कर लिया है। इस योजना में ज्यादातर लोगों का रुझान जनरल स्टोर, बकरी पालन एवं रेडीमेड गारमेंट में दिखा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवेदकों के प्रोजेक्ट देख ले, आवेदन के मन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकेगा और साथ ही उधार ली रकम को अदा कर सकेगा कि नहीं, इस सारे पहलुओं को जानकर आवेदकों को बैंक द्वारा ऋण दिलवा दिया जाए। तो डीएम ने स्वरोजगार योजना के तहत आवेदकों से बात की और उसके बाद डीएम ने कहा कि अभिभावक के अनुसार आवेदक जो उनके मन में किसी तरह की भ्रांति ना हो तो उनके प्रोजेक्ट को देख लिया जाए और उसी अनुसार उन्हें ऋण दिलवा दिया जाए। तीसरी लहर से निपटने के लिए बाजपुर की 58 ग्राम पंचायतों में 61 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जिसकी देखरेख के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत व पर ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड निगरानी समिति बनाई गई है। बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला प्रशासन के आदेशानुसार विकासखंड बाजपुर के 58 ग्राम पंचायतों में 61 कंटेनमेंट सेंटर क्वारंटीन सेंटर विद्यालयों व ग्राम पंचायतों भवनों में बनाए गए हैं जिसकी देखभाल के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्त्री, ग्राम प्रहरी व परा विधिक कार्यकर्ता शामिल है। तो वो एक तरीके से आइसोलेशन सेंटर हैं, अगर कोविड की तीसरी लहर अगर अपना प्रकोप फिर से दिखाएगी तो उनका उपयोग फिर से उसमें किया जाएगा। और हमारे विकासखंड बाजपुर में 61 केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को स्थायी संपत्ति के रूप में उपयोग किया गया है और इनमें उनको चलाए जाने का के लिए प्रस्तावित किया गया है। और इनमें जो भी सुविधाएं आगामी समय में आवश्यक होंगी वो स्थानीय कोविड केयर की जो समिति बनी हुई है, निगरानी समिति, उसके द्वारा। रोशनाबाद जिला कारागार में तैनात पुलिसकर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि सिपाही ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी सिपाही के खिलाफ युवती की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती का कहना है कि पुलिसकर्मी ने उसे अपने जन्मदिन के बहाने अपने कमरे में बुलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता रोशनाबाद इलाके की एक कॉलोनी में रहती है और सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करती है। आरोपी पुलिसकर्मी वसीम आलम कोटद्वार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल जी के आह्वान पर हम जो है 10 दिवसीय काला तालाबंदी का कर रहे हैं। हर प्रत्येक जिले में ये आयोजन हुआ जा रहा है। इसमें क्या हमारी 1200 मांगे हैं जो हमने जो है पिछले वर्ष हमने देहरादून भी जाके हमने से धरना स्थल दिया था। हमारी 1200 मांगे थी जिसमें हमारे क्या कहते हैं कॉमन जो सीएससी सेंटर हैं उन्हें 2500 जो दिए जा रहे हैं, हम तो नजायज दिए जा रहे हैं जिसे सरकार को अलग से प्रावधान कर।
बाजपुर में प्रधान संघ से जुड़े प्रधानों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन बीडीओ बाजपुर को सौंपा, जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा सीएससी केंद्रों को जो प्रधानों से 2500 रुपए दिए जा रहे हैं वो पैसे सरकार को अपने बजट से देने चाहिए। प्रधान संघ के उपाध्यक्ष संदीप आनंद ने बताया कि आज हमने ब्लॉक में तालाबंदी की है और ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल जी के आह्वान पर हम जो है 10 दिवसीय काल तालाबंदी का कर रहे हैं। हर प्रत्येक जिले में ये आयोजन हुआ जा रहा है। इसमें क्या हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जो हमने जो है पिछले वर्ष हमने देहरादून भी जाके हमने से धरना स्थल दिया था। हमारी 12 सूत्री मांगे थी जिसमें हमारे क्या कहते हैं कॉमन जो सीएससी सेंटर हैं उन्हें 2500 रुपये जो दिए जा रहे हैं हमसे नजायज दिए जा रहे हैं, जिसे सरकार को अलग से प्रावधान करना चाहिए इस सीएससी सेंटर को पैसे देने के लिए। और दूसरी मांग हमारी जो है मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाने के लिए भी दी गई थी कि हमारी मनरेगा की दिहाड़ी जो हमें 500 रुपये पर व्यक्ति दी जाए। ये हमारी ऐसी कुछ मांगे हैं जो 12 सूत्री मांगे हैं जिनका हमने पिछले हफ्ते भी माननीय प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री हमारे पंचायती राज मंत्री हैं उनका घेराव किया गया था और हमने उनको ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने हमें एक हफ्ते का आश्वासन दिया गया था कि हम आपको जो है 12 सूत्री मांगों को एक हफ्ते के अंदर हम जो है आपको हल करेंगे। ये आश्वासन क्या हमें झुंझुना मिल गया है, इसी हम व्यक्त करते हैं अपना जो है 10 दिवसीय तालाबंदी करते हैं। जो भी उनको इन्होंने शासन के सम्मुख शायद पहले भी रखा है इनके प्रदेश संगठन के द्वारा, तो उन मांगों पर विचार न होने के कारण इन्होंने दिनांक 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की तालाबंदी का विकासखंड पर संपूर्ण तालाबंदी का निर्णय लिया है। इस क्रम में आज पहले दिन प्रधान संगठन के द्वारा यहां पर आकर के नारेबाजी की गई और एक सूचना मुझे देते हुए विकासखंड के मेन गेट पर ताला लगाते हुए सभी कार्मिकों को और अधिकारियों को विकासखंड से बाहर आने को कहा है। और आज का बाजपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पानी के ट्यूबवेल पर नहाने से लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि घायल व्यक्ति का मेडिकल कराकर मामला संगीन धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर्सनल अपनी मोटर है, बच्चे गर्मी की वजह से अपने परिवार के साथ वहाँ कभी कभी नहाने धोने चले जाते हैं। इनका खेत मेरी दूर से लगभग 500 मीटर दूर पर इनका घर है, बीच में एक नाला भी है। ये इन लोगों की गुंडाई है, कई बार इन्होंने प्रयास किया लड़ने का, इनका काम ही लड़ने का है। मैं तो रात के 9 बजे करीब बच्चों को समझाने के लिए गया था कि आपस में झगड़ा ना हो जाए। उससे पहले मैंने बाजपुर चौकी में फ़ोन किया, थाना बाजपुर में फ़ोन किया, देहरादून फ़ोन किया। और मैं समझता हूँ दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं समझाने के लिए गया हूँ, बरेनी पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी और वो खाली वीडियो बनाने में मस्त रहे। उनका प्रयास बनता था कि मुझे छुड़ाते, लोगों को हटाते हैं वहाँ से। ये तो कोतवाल साहब बाद में आए, उसके बाद वहाँ से वो भीड़ छटी। मैं अकेला था, मेरे लगभग 10-12 लोग बीच में आके मुझे पड़ गए। 3 इसी परिवार के थे, भजन के परिवार के थे, बाकी कुछ लोग जो मेरी जानकारी में आया है कि वो बेरिया साइड के थे और इनके द्वारा गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। दो पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, मारपिटाई हो गई थी। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंच गई थी। उसके बाद हमने पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराकर तहरीर ली है और फिलहाल उनमें से एक को, 4 अभियुक्तों में से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसे मान लिया। सिडकुल में मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। अस्पताल स्टाफ के अचानक हड़ताल पर चले जाने के कारण वहां भर्ती मरीजों की जान पर बनाई। मरीजों के ईमानदार मेट्रो अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ से रोगियों को देखने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। अस्पताल की अव्यवस्था से परेशान होकर परिजन इलाज के लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले गए। पर प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से मेट्रो अस्पताल के प्रबंधक व चिकित्सकों एवं स्टाफ में अनेक मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। चिकित्सकों व स्टाफ का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधक द्वारा पिछले कुछ समय से उन्हें वेतन आदि का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ही वो धरने पर चले गए। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।